दोस्तों देखो, आज मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक एक भेले उधर तक। आज संडे है, वॉक करना होता है जरूरी। पेट का डाइजेशन सिस्टम होता है अच्छा, बिन खाली पेट करनी चाहिए। वैसा आज मैं खाना खा के आ गया, फिर तो मैं आया हूँ पापा के साथ। देखो तेज भी मत चलो, तेज चलने से ये होता है कि सांस चढ़ जाता है। अब दूसरा हाथ में पकड़ लेता हूँ कैमरा। अब इधर से साइड में हो जाता हूँ। जूता पहने आया जिससे कुछ जंगल में कुछ आंटी भांटी ना लगे, वरना पैर में चोट लग जाती है। देखो अब मैंने ये दूसरा चक्कर लगा रहा हूँ। इधर से पहला लगाया था और इधर से ये दूसरा है। जब 20 चक्कर लगाने हैं, अभी देखते हैं और कितनी देर में लगते हैं। ये तीसरा है, बिना रुके 20 चक्कर मुझको लगाने हैं उधर से इधर तक। अगर सुबह सुबह वॉक करते हो तो गैस नहीं बनती पेट में। मेरे गैस बनती है, तब से मुझे बनती नहीं गैस, जब से मैंने घूमना शुरू करा है सुबह सुबह। पहले ऐसा होता था, मैं दादू के साथ पहले मैं 4 बजे ना उठ के आ जाता था दादू के साथ पैदल, फिर अपने स्कूल में चला जाता था, फिर 4 बजे 5-6 बजे आ जाता था फिर घर पे, फिर अपने स्कूल चला जाता था। ये देखो एक तरफ धूप है, एक तरफ है नहीं, इधर धूप है इधर नहीं है। ये शायद चौथा चक्कर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा चक्कर है मेरा, फोर्थ। ये इधर तक जा रहा हूँ, फिर फिफ्थ शुरू होएगा। ये हमारा ट्रैक्टर खड़ा है, मतलब इधर ट्रैक्टर पार्क है, हिंदी में इसको कहते हैं खड़ा है शायद। ठीक है जी, चलो मैं पापा से एक चीज पूछता हूँ। पापा जी आप इसको क्यों करते हो? बेटा मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि हम जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव हैं, जहाँ जहाँ भी हम बसते चले गए वहीं वहीं प्रदूषण है, वहीं वहीं गंदगी है, वहीं वहीं जो है वायरस है। बाकी धरती पे या जो समुद्र के बीच में भी टापू हैं जहाँ इंसान नहीं बसा, हिलो मत, रुक जाओ थोड़ी देर, कैमरा हिलना, जहाँ भी मानव इंसान नहीं बस पाया है प्राकृतिक रूप से, वहाँ पर जंगली जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, तो वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, वो पैदा होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इधर को आ जाओ, धुआं हो रहा। तो मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा जो ये चक है, हमारा बिल्कुल दो रास्तों पे है, दो तरफ रोड है, गांव के नज़दीक है। यहाँ आते जाते कूड़ा फेंकते हैं लोग, अपने घर की प्लास्टिक निकाल के फेंक देंगे, अपने घर का कूड़ा निकाल के फेंक देंगे। तो मैं चारों तरफ जंगल में 8-10 ठिकाने ऐसे बना रखे हैं जहाँ मैं इस तरह से ये प्लास्टिक जो है मिनट दो मिनट में 5 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं, चुग के इन्हें जला देता हूँ। क्योंकि राख जो है, राख को तो धरती अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, कार्बन है, उसका फायदा भी मिलता है, लेकिन जो ये प्लास्टिक पब्लिक फेंक रही है सड़कों पर, जो ढेर लग रहे हैं अपने घर में से निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में ये जो पन्नी सड़कों पर फेंक रहे हैं, जो ये ढेर लग रहे हैं, ये एक तरह की फांसी है, जो ये फांसी आने वाले टाइम में जनता को लगेगी। तो इसलिए
जिस धरती पर आप पैदा हुए हो उसे इतनी भी गंदी मत करो कि आने वाले टाइम में वो मुसीबत बन जा। इसलिए आज हम चारा लेने आए हैं और डेली मेरा यही काम है। एक ईस्ट ट्वेल के पास का तो ये ठिकाना हो गया। रास्ते के ठिकाने तीन चार उस तरफ हैं, तीन चार इस तरफ हैं, एक कूड़ी के पास है, पुरानी ट्वेल पे है और उधर है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि माचिस जो है आने जाने वालों से ले लेते हैं और इस तरह से देखो इसका कार्बन बन जाएगा आप सबका। अब इसको बुझा के जाएंगे। अब ये कहीं नदी नालों में या कहीं भी जंगल में पड़ी दिखाई नहीं देगी। तो यही बात है, यही रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़ के कि अपने द्वारा खरीदी गई या अपने द्वारा घर में यूज की हुई जो प्लास्टिक है, जो पन्नी है, अगर वो आपके यूज में नहीं आ रही है तो उसे जला दें, उसे नष्ट कर दें, क्योंकि ये जो है जहर है, बहुत खतरनाक चीज़ है। प्लास्टिक का कम से कम यूज करें और ये जितने भी रैपर हैं इन्हें अपने घर में ही कहीं कोने में रख के एक माचिस की तिल्ली लगा दें। माचिस उद्योग भी चलता रहेगा और ये भी नष्ट हो जाएंगे। अब देखो जो, क्योंकि अंतरिक्ष जो है वो अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन धरती का अंत है। और ये वो अंत जो है, हाँ, ये प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को बिल्कुल ना फेंक के, इसके बहुत बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं शहर के, शहर गांव में, नदी जो है, नाले हैं, इनमें एक मैं आपके वीडियो के माध्यम से छोटा सा मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपने प्लास्टिक को अपने द्वारा ही नष्ट कर दें, इसे घर से बाहर बिल्कुल ना जाने दें। अगर घर से बाहर ये जारी है, नदी नालों में फेंक रही है, तो बहुत नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। धन्यवाद। कोई गांव है दोस्तों, उनका साइडों में इतने ज्यादा ढेर लग रहे हैं दीवारों के साइड में, तो एक माचिस के, एक माचिस की तिल्ली फेंक, वहाँ एक दो तीन माचिस की तिल्ली फेंक दो आग लगी हुई, पूरा कबाड़ जल जाएगा और एक आदमी साइड में बैठ जाए, फिर सारा कबाड़ जल जाएगा, फिर वो धरती उसको सोख लेगी। तो ओके दोस्तों, बाय। ओके दोस्तों, बाय।